छत्तीसगढ़ में आप सभी को बताना चाहता हूँ 12,000 जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए इस वक्त की काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 आप लोगों के लिए इस वक्त जो है देखने को मिल पा रहा होगा। और एग्जाम जो है कब होगा, 12,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्जाम जो है कब होगा, किस महीने एग्जाम्स होगा, किस तरह से आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से प्रिपरेशंस कर पाएंगे, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए जो है शिक्षक के जो है 12,000 पदों पर आप सभी के लिए सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। और टीचर भर्ती परीक्षा आपको पता ही होगा कि काफी बड़ी भर्ती होते हैं, तो आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 12,000 पदों पर भर्तियां होने वाली है, एग्जाम्स कब होगा वो भी बताऊंगा। तो आप लोगों के पास अभी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, आप सभी के पास अभी काफी अच्छा जो है टाइम है, तो जितना ज्यादा हो सके इस टाइम्स के वैल्यू को समझो, जितना ज्यादा हो सके मेहनत करो। जी हाँ, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितना ज्यादा आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए तैयारियां करोगे, जितना ज्यादा आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए मेहनत करोगे, उतना ही ज्यादा आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम्स उतना ही ज्यादा आप सभी का भर्ती परीक्षा एग्जाम भी क्वालिफाई हो पाएगा। जी हाँ, तो 12,000 पोस्ट कम नहीं होता, 12,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। जी हाँ, 12,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो है सामान्य स्नातक जो है कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, अगर एमएड है तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन बीएड और डीएलएड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है और टेट एग्जाम जो है रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, चाहे आपका सीजी टेट हो या फिर आपका जो है सी टेट हो, ये आप सभी के लिए काफी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, चाहे आपने सी टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हो या फिर आपने सीजी टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हो, ये दोनों ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये दोनों ही आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप सभी को देखने को मिल पाते हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,000 पदों पर आप सभी के लिए जो है सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 आप सभी के लिए हो पाएगा, और ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये भी कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो 12,000 शिक्षक भर्ती के लिए आज से ही तैयारी करना आप जो है शुरू कर दीजिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से भी 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से 10 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, कंप्यूटर्स भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, 10 अंकों के प्रश्न जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, एक एक नंबर वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है, ऐसे ही है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है हर एक सब्जेक्ट के बारे में, जी हाँ, जितने सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मैथ्स के क्वेश्चंस, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स में फुल मार्क्स ला रहे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। जनरल नॉलेज के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी है, लेकिन वहीं आपको मैथ्स के बारे में नॉलेज नहीं है, इंग्लिश के ग्रामर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, और अगर आपको हिंदी के बारे में नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर कहाँ से आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो है जानकारी होना, हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो है नॉलेज होना ही काफी इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ, तो जितना ज्यादा हो सके नॉलेज गेन कीजिए, जितना ज्यादा हो सके नॉलेज इकट्ठा कीजिए। जी हाँ, और आप अवश्य रूप से किसी भी भर्ती परीक्षा को, और आप अवश्य रूप से किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को, किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स को, आप एग्जाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो, अगर आप काम करोगे तो, अगर आप कोशिश करोगे तो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे तो किसी भी तरह से कोई भी भर्ती परीक्षा, किसी भी तरह से कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। और आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,000 पदों पर भर्ती, आप सभी के लिए शिक्षकों के जो है 12,000 पोस्ट, शिक्षकों के 12,000 वैकेंसीज, शिक्षकों के 12,000 अपडेट्स आप सभी के लिए होने वाली हैं। तो जो भी आप सभी के लिए अपडेट्स हैं,
जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी पोस्ट जो आप सभी के लिए निकल जाते हैं, काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जी। और 12,000 शिक्षकों की भर्तियां जो आप सभी के लिए निकल के आ रही, काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी आपको देखने को मिल पाएगा। तो अच्छे से आप जो है कोशिश कर सकते हैं, अच्छे से आप जो है मेहनत कर सकते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी आपके एग्जाम्स में जो है 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी में आपके स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण की भी तैयारी जितना ज्यादा हो सके आप अच्छे से कर सकते हैं, जितना ज्यादा हो सके आप अच्छे से कोशिश कर सकते हैं, जितना ज्यादा हो सके आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। व्याकरण जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जितना ज्यादा आपको व्याकरण के बारे में जानकारी होगा उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए बेहतर दृश्य हो पाएगा। और हम जो है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को और हम जो है किसी भी भर्ती परीक्षाओं को क्वालिफाई कर सकते हैं जी हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप कोशिशें नहीं करोगे तो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो जो बहुत ज्यादा इजी हो, फिर भी वो कॉम्पिटिशन एग्जाम, फिर वो भी वो भर्ती परीक्षा एग्जाम फिर आप सभी के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा आपको मेहनत जो है करते रहना होगा। जितना आपका मेहनत होगा, जितना ज्यादा आपका काम होगा, जितना ज्यादा आपका कोशिशें होगा, उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज्यादा बेहतर और बेस्ट होने वाला जी हाँ। तो आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पदों पर भर्तियां, आप सभी के लिए शिक्षकों के 12,000 पोस्ट, आप सभी के लिए शिक्षकों के 12,000 वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं जी हाँ। और ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके तैयारी करो, जितना ज्यादा हो सके मेहनत करो, जितना ज्यादा हो सके आपको कोशिशें जो है करते रहना। जितना आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, उतना ही ज्यादा आप सभी का कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा जी हाँ। तो ये अपकमिंग वैकेंसीज हैं, अपकमिंग पोस्ट है, अपकमिंग भर्तियां हैं जो आप सभी के लिए 2024 में, आप सभी के लिए 12,000 पदों पर भर्तियां, आप सभी के लिए 12,000 पोस्ट, आप सभी के लिए 12,000 वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए निकल के आने वाला है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आप में से हर किसी के लिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी आपको देखने को मिल पाते हैं। तो न्यू पोस्ट 2024 आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है जी हाँ। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पदों पर आप सभी के लिए सबसे बड़ी भर्ती है, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 12,000 पोस्ट निकल के आने वाला है। तो इसके लिए भी आप मेहनत कर सकते हैं, इसके लिए भी आप अच्छे से देन जो है तैयारी आप जो है कर पाएंगे। इसलिए जो है प्रिपरेशन से सबसे मेन इम्पोर्टेंट है जी हाँ। जितना ज्यादा हो सके प्रिपरेशन अच्छे से करना, जितना ज्यादा हो सके कोशिशें आपको अच्छे से जो है करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना।